वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। तो सर, जैसा कि आपको पता है सर, रैंडम सीरीज चल रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि सर और ऐसी सीरीज लाते रहो। इस सीरीज में आपको मैं बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो सारी चीजें आपको कराई जा रही है। और आज 22 जनवरी, आपको पता ही है आज बहुत ही बढ़िया दिन है। सो सभी को जय श्री राम। और अपना लेक्चर हम शुरू करेंगे और फिर से मैं वही सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, जो चीजें आ चुकी हैं या जो चीजें आने वाली हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। आराम से चलिएगा, फ्लो में लेक्चर चलेगा और आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा। मैं बताने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारी चीजें आपसे मैंने डिस्कस कर रखी है सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ मैंने आपको बताया था सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने कुछ बताया था सर, मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से मैंने कुछ बताया था, अगर कुछ नहीं बताया था, मैं बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं और दोबारा मैं इस पे लिखवाऊंगा। EMI से मैंने बता रखा है, AC से मैंने बता रखा है, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स चीजें बची हैं वो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सेमीकंडक्टर के कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है सर। तो पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप बताते होगे, तो आप जब चार्ज को रखते होगे तो उसका बोलता होगा कि चार्ज को रख रहे हैं फील्ड में तो उसका रेडियस क्या होगा। सर रेडियस पे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं सर, मुझे समझ में आता है कौन सा फॉर्मूला कब यूज करूं सर, कौन सा सर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि सर कौन सा फॉर्मूला किस टाइम पे यूज होगा, तो वो चीजें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, ठीक है सर। सर पहला जो मेरा फॉर्मूला था रेडियस का, वो था सर R इज इक्वल टू MV बाई QV, ठीक है सर। सर ये मेरा पहला फॉर्मूला था सर, पहला फॉर्मूला मैंने पढ़ा है सर। पहला चांसेस है कि सर आपसे ये फॉर्मूला पे पूछा जाएगा सवाल, पहले चांसेस ये हैं कि आपसे इस फॉर्मूले पे सवाल आपसे पूछा जाएगा सर, R इज इक्वल टू MV बाई QV, ठीक है सर। सर अगर इस पर सवाल नहीं आया, सर अगर इस पर सवाल नहीं आया तो किस पर आएगा सर, अगर सवाल आपसे इस पर नहीं पूछा सर, मास वेलोसिटी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, सर अगर इस पर सवाल आपसे नहीं पूछा तो आपसे इस पर सवाल पूछेगा सर, R इज इक्वल टू P बाई QB। सर P क्या है, सर P यहां पे मोमेंटम है, सर P क्या है, सर P यहां पे मोमेंटम है जिसको P इज इक्वल टू M इंटू V बोलते हैं, P इज इक्वल टू M इंटू V बोलते हैं, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी एंड Q बाई P। तो सर अगर पहला अगर चांसेस है कि सर इस पर सवाल पूछेगा, अगर सर सवाल अगर इस पर नहीं पूछा R इज इक्वल टू MV बाई QB पे, तो सवाल इस पर पूछेगा R इज इक्वल टू P बाई QB। और अगर सवाल अगर इस पर भी नहीं आया तो सवाल आप सर इस पर पूछा जाएगा, सवाल आपसे इस पर पूछा जाएगा, थर्ड पार्ट R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 MK बाई QB। सर ये डायरेक्ट मोमेंटम से रिलेटेड है और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेटेड होता है ये, अंडर रूट 2 MK बाई QB, ठीक है सर। सर तीन चीजें आप बता दिए सर, अगर मान लीजिए पेपर थोड़ा सा टफ आ गया, ट्रिकी आ गया जैसा कि बोला जा रहा है, तो अगर थोड़ा सा ट्रिकी आ गया पेपर, अगर पेपर अगर ट्रिकी आ गया तो अगर सवाल अगर इस पर नहीं आया तो सवाल आपसे इस पर पूछा जाएगा, सवाल आप सर इस पर पूछा जाएगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 MQV बाई QV, किस पर पूछा जाएगा। मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी थी, जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले थे जिस पर सवाल आ सकते हैं, वो सारी मैंने आपको बता दिया। और मैं गारंटी दे रहा हूं इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। सर R इज इक्वल टू MV बाई QV, सर R इज इक्वल टू P बाई QV, सर R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 MK बाई QV, सर R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 MK बाई QV, और सर R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 MQV बाई QV। तो इसके अलावा आपसे सवाल नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, आपको इतने चीजें आपको पता होनी चाहिए, या तो इस पर पूछेगा, या तो इस पर पूछेगा, या तो इस पर पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, लेकिन पूछेगा जरूर। अब ये मैं नहीं बता सकता हूं कि किस पर पूछेगा, लेकिन जितने भी पॉसिबल थे, जितने भी दरवाजे थे, मैं सबको आपको बता दिया कि ये ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा सवाल आया तो ऐसे हो सकता है, ऐसा आएगा तो ऐसा होगा, ये आएगा तो आपको ये लगाना है, ये आएगा तो आपको ये लगाना है, लेकिन आएगा जरूर, इसको आप नोट करते रहो। इसलिए मैं इस सीरीज का नाम रैंडम सीरीज रखा है, जितने भी चीजें आपको बताई जा रही है आप इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आ चुके हैं, सो आपको नोट करते रहना है, ठीक है सर। सर आपको पता था सर मिरर फॉर्मूला जो आप बोल रहे थे बताने के लिए, सर 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U ये, और सर एक फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला जिसको बोलते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। सर ये बेसिक फॉर्मूला है, 10th में ही बताया जाता है, ये सबको पता होगा, ये बेसिक फॉर्मूला है, 10th में बताया जाता है। तो आई होप
जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ इस पर सवाल आपसे नहीं पूछेगा, इस पर आपसे सवाल नहीं पूछेगा, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पर। जो सवाल आपसे पूछेगा, जो सवाल आपसे पूछेगा वो आपसे रे डायग्राम से पूछता है कि रे डायग्राम से कैसे बनाओगे। तो जब भी याद रखना, जब भी आप ऑब्जेक्ट को इस साइड में लेके जाओगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट को इस साइड में लेके जाओगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट को इस साइड में लेके जाओगे, तो इमेज हमेशा आपका इस साइड जाएगा, इमेज हमेशा आपका इस साइड जाएगा। बेसिक रूल आपको पता ही है कि सर जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाएगी, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ मेरा मिरर दिया है और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ मेरा मिरर दिया और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये पेन मेरा ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा मिरर है और यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जब भी आपके पास होता है तो आपको बेसिक रूल पता है कि सर जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास करती है, सर जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास करेगी, सर अगर फोकस से पास कर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सर अगर सेंटर और करेचर से पास की है तो सेंटर और करेचर से वापस आएगी। सर पहला रूल, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी, सर फोकस से जब पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सर जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और जब सर सेंटर और करेचर से पास करेगी तो सेंटर और करेचर से वापस आएगी। सर फर्स्ट रूल, व्हेनेवर लाइट रे मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेनेवर लाइट रे मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। सर व्हेनेवर लाइट रे पासेस थ्रू फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सर व्हेनेवर लाइट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रीट्रेसेस इस पाथ, इट रीट्रेसेस इस पाथ मतलब जिस पाथ से गई है उसी पाथ से वापस आएगी, जिस पाथ से गई है उसी पाथ से वापस आएगी, जिस पाथ से गई है उसी पाथ से वापस आएगी। तो आपको ये चीजें भूलनी है। सर फोकस की बात की हो, सर फोकस की, फोकस तो फोकस पर एक बहुत अच्छा लाइन मैं आपको बोलना चाहूंगा जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है। फोकस में आई वो पहली बार, फोकस में आई वो पहली बार, इसका फोर्स लगा दिल पे यार, प्यार करंट सा दिल में बहने लगा, मैं उसके मैग्नेटिक फील्ड में रहने लगा, दुआ है मेरी उससे कभी कोलिजन हो जाए, ऐसा टॉर्च लगे उसे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाए। फोकस में आई वो पहली बार, इसका फोर्स लगा दिल पे यार, प्यार करंट सा दिल में बहने लगा, मैं उसके मैग्नेटिक फील्ड में रहने लगा, दुआ है मेरी उससे कभी कोलिजन हो जाए, ऐसा टॉर्च लगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाए। ठीक है सर, मजा आ गया सर, फोकस आया इसलिए मैंने आपको बता दी। सर ये चीजें मुझे समझ में आ गई। सर मैग्निफिकेशन से कभी कभी रिलेटेड पूछा है, तो मैग्निफिकेशन आपको कुछ नहीं करना है सर, एच आई बाई एच ओ होता है। सर मैग्निफिकेशन क्या होता है? सर एच आई बाई एच ओ होता है। सर एच आई बाई एच ओ, सर एच आई हाइट ऑफ इमेज, सर एच आई हाइट ऑफ इमेज, सर एच आई हाइट ऑफ इमेज, सर एच ओ, सर एच ओ, एच ओ बोले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। सर एक फॉर्मूला था सर, आपने बोला कि सर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, इस पर सवाल नहीं आ सकता है, कम चांसेस हैं। 1 अपॉन वी, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इस पर भी सर आपने बोला कम चांसेस है। तो सवाल जो आपसे पूछा जाएगा उस सवाल इस पर पूछा जाएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। ठीक है सर, इस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जब ये रिलेट करता है रेडियस को, काट देगा, आधा कर देगा, डबल कर देगा, म्यू की वैल्यू आपको पता रहेगी, दी रहेगी, तो इस पर सवाल आएगा और 100% आएगा, इस पर सवाल आएगा 100% आएगा। अब इसको नोट कर लो, 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। सर एक स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट आता है, सर एक स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट आता है, उस पर एक सवाल आपसे पूछता है, मतलब इस पर सवाल पूछेगा, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। आपसे इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, आपसे इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, सर म्यू 2 माइनस म्यू 1, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, आपसे इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, इस पर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आप इसको नोट करते होंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। सर दो तरह का मीडियम होता है, सर दो तरह का मीडियम होता है, सर दो तरह का मीडियम होता है। सर पहला मीडियम होता है सर रेरर मीडियम, और सर दूसरा मीडियम होता है सर डेंसर मीडियम। सर पहला मीडियम होता है सर रेरर मीडियम, और सर दूसरा मीडियम होता है सर डेंसर मीडियम। ठीक है सर। सर रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम। सर मान लो आप बाइक चला रहे हो, और बाइक जब चला रहे हो तो आप फुल स्पीड में चला रहे हो, फुल स्पीड में आप तब तक चलाओगे जब तक ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं है, खाली मैदान है, एकदम आराम से आप बाइक चलाओगे, एक्सीलेटर लोगे, खूब
राइडर, आई एम अ राइडर करके आप निकल जाओगे, आई एम अ राइडर करके आप निकल जाओगे। लेकिन सर जैसे ही ट्रैफिक आ जाता है बीच में, आपकी बाइक की स्पीड स्लो होने लगती है, आप रुक जाते हो। ठीक है सर, सर ये क्यों पता है? मैं आपको बताता हूँ सर, फिजिक्स में दो आते हैं सर, फिजिक्स में दो चीज आती है सर। क्या आती है सर? पहला आता है रेयर मीडियम और सर दूसरा आता है डेंसर मीडियम। सर पहला आता है रेयर मीडियम और सर दूसरा आता है डेंसर मीडियम। ठीक है सर, सर ऐसे एक लाइन खींच दो, सर एक ऐसे लाइन खींच दो, सर ये जो लाइन है वो नॉर्मल है, सर ये क्या है? सर रेयर मीडियम है, सर ये क्या है? सर ये डेंसर मीडियम है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सर पहले लाइट आ रही है रेयर मीडियम से, ये बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं बोला था कि बेसिक चीजें से ही लेके चलूंगा। सर रेयर मीडियम से लाइट आई 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 आई, लेकिन सर ये इधर आ गई, सर इधर आ गई। मैंने आपको बोला था, एक लाइन याद कर लो, रेयर से डेंसर में जाओगे, रेयर से डेंसर में जाओगे तो रुक जाओगे, रेयर से डेंसर में जाओगे तो रुक जाओगे, डेंसर से रेयर में जाओगे तो उड़ जाओगे, रेयर से डेंसर में जाओगे तो रुक जाओगे, डेंसर से रेयर में जाओगे तो उड़ जाओगे, रेयर से डेंसर में जाओगे तो रुक जाओगे, डेंसर से रेयर में जाओगे तो उड़ जाओगे। सर व्हेनेवर लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सर व्हेनेवर लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है सर, सर लाइट आई है रेयर से डेंसर मीडियम, सर इट बेंड किए टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब रेयर से डेंसर में आओगे तो रुक जाओगे। ठीक है सर, सर ये क्या है? सर रेयर मीडियम। अब सर बात करते हैं डेंसर से, सर ये डेंसर मीडियम है और सर ये रेयर मीडियम है। सर डेंसर से रेयर में जब भी जाओगे तो उड़ जाओगे, सर डेंसर से रेयर में जब भी जाओगे तो उड़ जाओगे, मतलब व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है सर, तो ये चीजें आपको नहीं भूलनी है, ये चीजें आपको नहीं भूलनी है, ये चीजें आपको नहीं भूलनी है। ठीक है सर, तो दो मीडियम था मेरे सामने, आपको भूलना नहीं है, मैंने दो फॉर्मुला बता दिए, इस पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बार बार मैं बता रहा हूं, 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2 ये, और सर म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। ये चीजें आपको नहीं भूलनी है, ये चीजें आपको नहीं भूलनी है। ठीक है सर, ये चीजें आपको नहीं भूलनी है, ये था सर। एक कॉन्सेप्ट आता था सर मैग्नेटिक फील्ड में, जब दो रॉड को बगल में वो रखता था, पहले तो वो बोल देता था रॉड पे फोर्स कितना लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए सर फोर्स जो लगता है चार्ज पे, जब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है आपको पता ही है सर ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा डॉट, सर इस तरह है मतलब अंदर है और इस तरह है मतलब बाहर आपकी तरफ, इसका मतलब क्या होगा अंदर आ रहा है और इसका डॉट का मतलब आपकी तरफ, डॉट का मतलब आपकी तरफ। तो आपको पता था सर मैग्नेटिक फील्ड जब भी किसी चार्ज को लाते हैं तो फोर्स लगता है, वो फोर्स आपको पता होना चाहिए सर क्यू वी वी, फोर्स इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होता है, क्यू वी वी साइन थीटा होता है। क्योंकि सर क्यों यहाँ साइन थीटा आता है, ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी चार्ज को आप ला के रखते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है। सर जब उस पर फोर्स लगता है तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है सर क्यू वी वी साइन थीटा होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होता है। मतलब सर साइन थीटा क्यों आया, साइन थीटा इसलिए आया क्योंकि यहाँ क्रॉस आया होगा, दैट इज वी क्रॉस वी, वी क्रॉस वी दैट इज क्यू वी वी साइन थीटा, दैट इज क्यू वी वी साइन थीटा। ये लाइन भी आपको भूलनी नहीं है, ये आपसे बेसिक चीजें उठा के पूछ सकता है, बेसिक चीजें उठा के आपसे पूछ सकता है, ये आपको नोट करके रखना है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है सर, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है सर, सर अभी आप कुछ बोल रहे थे सर दो रॉड, दो स्ट्रेट वायर लेते थे और करेंट जब बहाते थे तो उसमें पूछता है कि सर फोर्स कितना आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। आप ऐसा पढ़े होंगे सर जब कंडक्टर होता है स्ट्रेट वायर और उसमें से जब करंट जब पास करते हैं, जब करंट पास करते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आपसे पूछता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू पूछता है, किसी दूरी डिस्टेंस डी पे रख देते हैं तो सर वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है सर वो होता है सर म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। इस पे भी आपसे सवाल देखा गया है, इस पर भी आपसे सवाल देखा गया है और वो आपसे पूछता है, इस पर भी आपसे सवाल देखा गया है और वो आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू, दैट इज म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, ये आपसे पूछता है और वो पूछेगा।
ये आपसे पूछता है और वो आपसे पूछेगा, तो आपको भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है सर। तो ये चीजें, जितनी चीजें आपको मैंने अभी तक बता रखी है फॉर्मूला में, वो सारी चीजें आपको नहीं बोलनी है। सर मुझे बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे कि सर इंपिडेंस में थोड़ा दिक्कत होता है, सर कॉस फाइव की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सर कॉस फाइव होता क्या है, तो वो चीजें मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी याद आ गया कि दो तीन लोग मुझसे पूछे थे, ठीक है सर। सर प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सर एक्सएल जो होता है वो ओमेगा एल होता है, ठीक है सर। एक्सी जो होता है सर वो वन अपॉन ओमेगा सी होता है, एक्सी जो होता है सर एक्सएल, मैंने आपको क्या बोला था, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और सर एक्सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है सर। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, और सर ओमेगा इज इक्वल टू मैंने बोला था टू पाई एफ, सर ओमेगा इज इक्वल टू मैंने बोला था टू पाई एफ, सर ओमेगा इज इक्वल टू मैंने बोला था टू पाई एफ, ठीक है सर। सर इम्पिडेंस, इम्पिडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, इम्पिडेंस को किससे डिनोट करते हैं सर, जेड से डिनोट करते हैं। सर इम्पिडेंस को किससे डिनोट करते हैं सर, जेड से डिनोट करते हैं। सर इम्पिडेंस को किससे डिनोट करते हैं, जेड। इम्पिडेंस को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इम्पिडेंस को किससे डिनोट करते हैं सर, जेड से, ठीक है सर। सर जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है सर, जेड से डिनोट करते हैं। सर जेड का एक फॉर्मूला होता है सर, वो फॉर्मूला बता दो और मजा आ जाएगा। सर जेड का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बता दो सर मुझे मजा आ जाएगा। सर फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्सएल माइनस एक्ससी बाई होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये आपका इंपिडेंस का फॉर्मूला होता है, जिसको बोलते हैं जेड। जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी को जेड बोलते हैं, इसी को जेड बोलते हैं, इसी को जेड बोलते हैं। और इसी जेड पर घुमा करके जो सवाल मुझसे बच्चे पूछे थे, वो नीट के पीवाईक्यू में पूछा गया था, सीयूटी में पूछा जा चुका है, और बोर्ड में भी आपसे घुमा कर थोड़ा बहुत सवाल पूछ सकता है। सर वो सवाल क्या था, वो कॉस फाइव से रिलेटेड सवाल था, कॉस फाइव। सर कॉस फाइव से रिलेटेड सवाल था वो, सर कॉस फाइव से रिलेटेड सवाल था, सर कॉस फाइव। सर इंपिडेंस समझ में आ गया, इंपिडेंस कुछ नहीं होता है सर, जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तीनों मैंने आपको बता रखी थी, ये तीनों मैंने आपको बता दी थी। सर कॉस फाइव क्या होता है, कॉस फाइव दैट इज पावर फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर आर बाई जेड। सर आर बाई जेड, सर कॉस फाइव इक्वल टू आर बाई जेड, सर कॉस फाइव इक्वल टू आर बाई जेड होता है। ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपसे पूछा जाता है, ठीक सर। सर कॉस फाइव इक्वल टू आर बाई जेड। सर इंपिडेंस जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर। आर आपको पता ही है, एक्सएल, एक्सएल बोले तो इंडक्टर, एक्सएल बोले तो इंडक्टर, एक्सी बोले तो कैपेसिटर की बात हो रही है। एक्सएल दैट इज ओमेगा एल, एक्सी दैट इज वन अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को क्या बोलते हैं सर, टू पाई एफ, ठीक है सर। तो एक्सएल को इंडक्टर बोलते हैं, एक्सी को कैपेसिटर बोलते हैं, जिसको मैंने बोला था एल सी आर, एल सी आर, एल सी आर, एल सी आर, एल सी आर। तो एक्सएल दैट इज ओमेगा एल, एक्सी दैट इज ओमेगा सी, एंड आर आपको पता ही है रजिस्टर। और मैंने आपको बता रखा है कि आपसे सवाल पूछता है कि किसमें लीड करेगा, किसमें लैग करेगा। उसके लिए मैंने आपको दो सवाल बस मैंने आपको बताया, दो टॉपिक मैंने बताई थी, उससे आपका हर चीज आपका खत्म हो गया था। पहला सर आईपीएल और दूसरा सर सीसीएल, आईपीएल और सीसीएल, मैंने आपको ये चीजें आपको मैंने बता रखी थी। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, आई होप उसको देख रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे, और हर चीज आप नोट करते रहोगे, हर चीज आप नोट करते रहो। आप जब ये सारी चीजें नोट करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारे मैं लेक्चर देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ। अब जब ये सारी चीजें आप नोट करते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास एक फॉर्मूला चार्ट बन गया पूरा, जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बहुत है, लेकिन जिससे बार बार सवाल पूछा जाता है, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम वही चीज आपको बताते हैं, हम वही चीज बताते हैं, और छूटता नहीं है कुछ, छूटता नहीं है। छूटेगा तो आप डायरेक्ट कमेंट में बताना, मैं दोबारा उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है सर। तो ये चीजें जितने मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से लिख रहोगे, कॉपी में नोट कर रहोगे, तो आप देखोगे जब ये खत्म होगा तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे और एक जगह पे हो जाएंगे, और वो फॉर्मूले हो जाएंगे जिस पर पीवाईक्यू पूछा जाता है और जिससे बाहर आपसे सवाल आ ही नहीं सकता है, आप आराम से उसको नोट कर सकते हो। तो आप वो चीजें नोट करते रहोगे तो आपको एक बार लास्ट में लगेगा कि हाँ सर मेरे पास सारे फॉर्मूले की सीट बन गई, हर चीज फॉर्मूला आ गया, और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गया। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। तो ये बातें आपको भूलना नहीं है, ये बातें आपको भूलना नहीं है, ठीक है सर। सर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, सी आई एस, सी आई एस। सर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सर कंडक्टर
कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कंडक्टर है वो कंडक्ट करती है, सर कंडक्टर है वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है सर। सर इंसुलेटर आपको पता है कंडक्ट नहीं करती है। सर सेमीकंडक्टर उसका नाम ही है सर आधा कंडक्टर। तो सर कंडक्टर अगर कंडक्ट करती है तो सर वो क्यों करती है? सर अगर इंसुलेटर नहीं करती है तो वो क्यों नहीं करती है? सर सेमीकंडक्टर, सर सेमीकंडक्टर कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। तो सर ऐसा क्यों लोग बोलते हैं बार बार कि सर कंडक्टर करेगी सर इंसुलेटर नहीं करेगी, सर ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले भी बोला है पढ़ाते टाइम आप चीजों को खुद से रिलेट करो, आप जो चीज कर रहे हो खुद से पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूं, पढ़ के क्या होगा, क्या चीज है इसमें, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या मैं डीपली जा सकता हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, ये खुद से सवाल करो। क्योंकि आपको पता है कि वाई, वाई हर चीज का क्लियर होना चाहिए आपके लिए, हर चीज में वाई क्लियर होना चाहिए। मैं बोल दूं मान लो आप जिस भी रूम में पढ़ रहे हो, जिस रूम में बैठे हो, मैं बोल दूं उस रूम का दरवाजा आप तोड़ो, दरवाजा आप तोड़ो, तो आप बोलोगे सर पागल हो आप क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? आप क्या बोलोगे? सर आप पागल हो क्यों दरवाजा तोड़ोगे? क्योंकि मैंने आपको कोई रीजन नहीं बोला, मैंने आपको बोला कि तोड़ो। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि दरवाजे के पीछे आपकी फैमिली फंसी है या जिससे आप बहुत ज्यादा चाहते हो वो फंसा हुआ है, तो आप तुरंत जाओगे बिना सोचे और आप दरवाजा तोड़ दोगे। क्यों तोड़ दोगे आप उस टाइम दरवाजा? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर है, आपको पता है कि मेरी फैमिली फंसी है, मेरा वाय क्लियर है, मेरा वाय क्लियर है। तो आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो सबसे पहले अपने वाय क्लियर करो। अगर आपका वाय क्लियर कर जाएगा आप आराम से वहां जो चीज आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था, जब से मैंने पहला लेक्चर मेरा यूट्यूब पे आया था तभी मैं आपको बोला था कि हर चीज को रिलेट करके पढ़ो, हर चीज को रिलेट करके पूछो और वाय अपना क्लियर रखो। आज की डेट में वाय सबका क्लियर होना चाहिए, वाय बहुत ज्यादा जरूरी है क्लियर करना। मैंने आपको कितना परफेक्ट एग्जांपल दिया, आप अगर बैठे हो जिस रूम में, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको दरवाजा तोड़ना है तो आप खुद से सवाल पूछोगे सर क्यों तोड़ना है, सर पागल हो सर क्यों बोल रहे हो आप तोड़ने के लिए। लेकिन मैं बोल दूं कि आप जिससे चाहते हो आपकी फैमिली फंसी हुई है तो आप तुरंत तोड़ोगे बिना सोचे, तुरंत जाओगे आप तोड़ने। क्यों? क्योंकि आपका वाय क्लियर है कि हाँ मेरी फैमिली फंसी हुई है। तो हर चीज में आपका वाय क्लियर होना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं, तो आपको तुरंत पता चल रहा है वो कैसे होगा। अगर वाय आपका क्लियर है तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा, अगर आपका वाय क्लियर है तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। सो वही मैं आपको बता रहा हूं सर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सर कंडक्टर कंडक्ट करती है, इंसुलेटर नहीं करती है, सेमीकंडक्टर कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। सर कंडक्टर इसलिए कंडक्ट करती है क्योंकि आपको पता है सर कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है। सर सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाता है सर कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड वो दोनों ओवरलैप करती है। सर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये आपस में दोनों ओवरलैप करेंगे, जब दोनों ओवरलैप करते हैं तो आराम से कंडक्शन होता है और अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और वो कंडक्ट करती है। लेकिन सर इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, 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 इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा। इंसुलेटर में क्या होता है सर, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप ज्यादा होती है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप ज्यादा होती है। और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन और वैलेंस बैंड में जो गैप होती है वो इंसुलेटर के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, इसे सेमीकंडक्टर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल आपने पी ब्लॉक एलिमेंट से आप ले सकते हो, पी ब्लॉक एलिमेंट आपने पढ़ा होगा सर, कहे केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन इसको बोलते हैं SN एंड PB दैट इज लेड। PB को क्या बोलते हैं सर? लेड, लेड बोलते हैं। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, आज जय श्री राम 22 जनवरी, तो हमने सोचा कि सीता जी को भी ले आते हैं। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, पी ब्लॉक में ये सारे एलिमेंट है आपके, कहे सीता जी सुनो प्रभु दैट इज सेमीकंडक्टर। तो सर कंडक्टर इसलिए करती है क्योंकि कंडक्शन वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप करते हैं। सर इंसुलेटर क्यों नहीं करती है? क्योंकि वहां ओवरलैप नहीं होता, उसमें गैप ज्यादा होता है, उसमें गैप ज्यादा होता है, ठीक है सर, उसमें गैप ज्यादा होता है, उसमें गैप ज्यादा होता है, ठीक है सर। सर लेड, सर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में गैप थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर, गैप थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर, इंसुलेटर के कंपैरिजन में गैप वहां पे कम होती है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बातें सारी की सारी आपको क्लियर होनी चाहिए और कोई भी डर या भय कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको वही चीजें बताई जा रही हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, वही चीजें आपको बताई जा रही है जो आपके एग्जाम में आती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इसको नोट करते रहो, आप इसको नोट करते रहो और हमारे लेक्चर चल रहे हैं, आप जब नोट कर लोगे तो आपको लगेगा कि मेरा पूरा फॉर्मूला शीट बन गया, इसलिए आप आराम से नोट करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर।
ये चीजें सर ठीक है सर, सर ये चीजें ठीक है सर, सर और कुछ बता दो। तो अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी चीजें बता दी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी मैंने आप जिक्र कर लिया, ईएमआई में मेरी लगभग चीजें मैं आपको बता रखा हूं। सर ईएमआई में आपको शायद लेंज लॉ आपको छूटा है, तो लेंज लॉ मैं आपको बता दूं कि आपने जब ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सर ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो यहाँ माइनस साइन आता है तो वो लेंज लॉ ही बोले थे, लेंज लॉ कुछ नहीं बोलेंगे, आओगे तो आने नहीं देंगे, जाओगे तो जाने नहीं देंगे, आओगे तो आने नहीं देंगे, जाओगे तो जाने नहीं देंगे, यही लेंज लॉ था। इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कैसे आता है वो कल मैं आपको बता दूंगा, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेंज लॉ सिर्फ याद रखना कि जो मैं बोल रहा हूं वो लेंज नहीं बोला है, लेकिन जो मैं बोलूंगा वही लेंज बोला है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लेंज नहीं बोला है लेकिन जो बोलूंगा वही लेंज बोला है। तो मैं अलग तरीके से बताऊंगा, आपने सॉन्ग सुना होगा, मिलो ना तुम हमको तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है, मिलो ना तुम हमको तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है, दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। इसको क्या बोलते हैं सर, लेंज लॉ। सर सॉन्ग से लेंज लॉ बता रहे हो आप, हाँ मिलो ना तुम हमको तो हम घबराएं, जब नहीं मिलते हो तो हम घबराते हैं और जब मिल जाते हो तो हम आंख चुराते हैं, तो क्या हुआ इसका मतलब कि लेंज लॉ यही बोले थे कि आप जब भी लाते हो तो वो अपोज करेगा, अगर नॉर्थ लाओगे तो साउथ हो जाएगा, साउथ लाओगे तो नॉर्थ होगा, मतलब वो हमेशा अपोज करेगा, मतलब जिसने जन्म दिया आप उसी को मार दोगे, डेट इज कॉल्ड लेंज लॉ, डेट इज सिंपल सा फंडा, आओगे तो आने नहीं देंगे, जाओगे तो जाने नहीं देंगे, आओगे तो आने नहीं देंगे, जाओगे तो जाने नहीं देंगे, डेट इज कॉल्ड लेंज लॉ। सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं सवाल आपको कल बताऊंगा और इसी टॉपिक से रिलेट करूंगा। मैं आपको बता दूं सिंपल सा कुछ नहीं होता, इसमें सोलेनोइड दिया रहेगा, और बोलेगा कि यहाँ मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और बोलेगा कि यहाँ पोलैरिटी बताओ, अगर ये इसके पास आ रहा है, आओगे तो आने नहीं देंगे, और जाओगे तो जाने देंगे, तो ये आ रहा है, मतलब आने नहीं देना, मतलब यहाँ पे साउथ बन जाएगा। तो आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा, बेसिक चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये मैग्नेट था इसके पास आ रहा था, आओगे तो आने नहीं देना है, जाओगे तो जाने नहीं देना है, तो ये इसके पास आ रहा है, मतलब आने नहीं देना है, मतलब अगर इधर इधर साउथ है तो इधर क्या होगा, साउथ लाना पड़ेगा। साउथ क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि आओगे तो आने नहीं देंगे, जाओगे तो जाने देंगे, ये आ रहा है मतलब इसको आने नहीं देना, मतलब रिपल्सन देना है, मतलब साउथ आएगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सारी चीजें थी, बेसिक लेक्चर था, बेसिक चीजें ही आपको काम आएंगी, सारी चीजें आपको नोट करते रहना है, लेंज लॉ भूलना नहीं है, आओगे तो आने नहीं देंगे, जाओगे तो जाने नहीं देंगे, ये इसके पास आ रहा था, मतलब आने नहीं देना है, कौन सा पोलैरिटी होगा, साउथ होगी, साउथ क्योंकि उसको रिपल्सन देगा, वो दूर चला जाएगा। तो ऐसे तरह के सवाल पूछते हैं, जेई मेंस का पीवाईक्यू भी है, एक बार मैग्नेट वाला जिसमें आपको बोलना होता है कि एक्सेलरेशन बताना है कि ग्रेविटी से कम होगी या ग्रेविटी से ज्यादा होगी, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि मैं आपको कल कराऊंगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, उसमें आपका माइंड खुल जाएगा पूरा, तो वो क्वेश्चन को मैं कल लेके आऊंगा, अभी तक जितने चीजें मैंने आपको बताई है आई होप आप उसको नोट कर लिए होंगे, इंजॉय करते रहिए लेक्चर को हमारे साथ, में नोट करते रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप नोट करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही बार मेरा सारा एक फॉर्मूला शीट बन गया और कुछ चीजें छूटी नहीं, और सर ने वही चीजें बताई है जो मेरे एग्जाम में आती हैं और आती रहेंगी। जो चीजें छूटी हो आप डायरेक्ट कमेंट करना, हम उसको दोबारा बताएंगे, जो चीज समझ में नहीं आया उसको डायरेक्ट कमेंट करना। तो साथ जुड़े रहना है, साथ में मचाएंगे, साथ में रहेंगे और इंजॉय करते रहेंगे लेक्चर को। सो मिलेंगे, जय श्री राम, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच।